सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। आई होप आप सभी मस्त होगे। और गाइस, ये जो 2021 का जनवरी महीना रहा वो लगभग ठीक ठाक रहा। कुछ 5G फोन्स देखने को मिले तो कुछ फ्लैक्सी फोन्स देखने को मिले, तो बहुत ही अटपटा सा ये महीना रहा। और 2021 का ये जो महीना था अब लगभग खत्म होने वाला है और इस साल का अगला महीना यानी फरवरी मंथ आने ही वाला है। और ऐसे में गाइस, बहुत सारे स्मार्टफोन यूजर्स, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं और एक अच्छा स्मार्टफोन बाय करने की सोच रहे हैं, उन्हें ये जानना है कि फरवरी 2021 के अंदर कौन कौन से नए स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, कौन से 5G स्मार्टफोन होंगे, तो किस प्राइस के ऊपर आएंगे, अलग अलग ब्रांड के कई सारे स्मार्टफोन आने वाले। तो अगर आप भी जानना चाहते हो फरवरी 2021 के अंदर कौन कौन से कमाल के स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना। तो गाइस, ये जो फरवरी 2021 का महीना होगा, यहां पर आपको कुल 10 से 15 स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे अलग अलग ब्रांड की तरफ से, जहां पर हम ब्रांड वाइज बात करेंगे हर एक स्मार्टफोन के बारे में, क्या कुछ प्राइस होगी, कब तक फोन देखने को मिल सकते, सब कुछ जानेंगे। सो हे गाइस, मैं हूं सियोम और आप देख रहे हो टेक हेल्पर सियोम YouTube चैनल। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी कमाल की वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। तो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे एक नॉन चाइनीज कंपनी के बारे में, जो कि है सैमसंग। तो भाई, सैमसंग की तरफ से आपको 4 से 5 स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे। और जो ए सीरीज होने वाला है इनका ना, यहां पर आपको 2 स्मार्टफोन कंफर्म देखने को मिलेंगे फरवरी 2021 मंथ के अंदर, जहां पर जो पहला डिवाइस होगा वो होगा सैमसंग गैलेक्सी A52 5G डिवाइस, जो कि लंबे टाइम से टीज किया जा रहा है, काफी सारी इन्फॉर्मेशन इस डिवाइस से निकल कर आ चुकी है। और दूसरा स्मार्टफोन होगा सैमसंग गैलेक्सी A72 5G डिवाइस, जहां पर अगर बात करें स्पेक्स की, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी A52 5G डिवाइस के बारे में। तो इस फोन के साथ में आपको कंफर्मली स्नैपड्रैगन 750G 5G चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि एक पावरफुल चिपसेट है और पावर इफिशियंट चिपसेट है। और इस प्राइस के ऊपर एक कमाल की 5G कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाती है, तो एक बहुत ही कमाल की बात हो जाएगी। बाकी 6.5 इंच की एक डिस्प्ले होगी, सुपर एमोलेड पैनल होगा, फुल HD+ रिजोल्यूशन होगा, एंड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सपोर्ट होगा। जहां पर इस फोन का जो बैक साइड है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है, मतलब प्लास्टिक बैक तो देखने को मिलता है बट एक ग्लॉसी लुक मिलता है, काफी ज्यादा शाइनी होगा। बाकी इस फोन के बैक साइड में 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेंसर है, फ्रंट में सेंटर पंच होल कटआउट के अंदर आपको 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर देखने को मिलता है। और इस फोन की जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो अंडर 25K है, यानी 25,000 के अंदर अगर ये फोन आ जाता है सैमसंग के ए सीरीज के अंदर, तो एक बहुत ही कमाल का ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन गाइस, अगर ए सीरीज के अगले स्मार्टफोन की बात करें, जो कि होगा सैमसंग गैलेक्सी A72 5G डिवाइस, तो यहां पर आपको कैमरा के अंदर बहुत बड़ा अपग्रेड देखने को मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी A71 से। जहां पर अगर बात करें इस फोन के स्पेक्स को लेकर, तो इस फोन के साथ में आपको एक्सोनोस का 1080 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि एक पावरफुल 5G चिपसेट है। साथ में इस फोन का जो डिजाइन और लुक है ना, वो काफी ज्यादा अमेजिंग है और सैमसंग की तरफ से एक बहुत ही स्लिम डिजाइन होने वाला है। और गाइस, ये जो सैमसंग का A7 सीरीज होता है, ये कैमरा स्मार्टफोन के लिए जाना जाता है और ओप्पो के रेनो सीरीज के कंपटीशन में इनके स्मार्टफोन लॉन्च किया जाते हैं। और अभी रिसेंटली आपने देखा कि ओप्पो रेनो 5 प्रो स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है इंडिया मार्केट के अंदर, जो कि एक बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन है अंडर 35K। तो ऐसे में A72 5G स्मार्टफोन बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे कमाल के कैमरा इंप्रूवमेंट के साथ में। और सैमसंग गैलेक्सी A71 से काफी हद तक अपग्रेड होगा कैमरा को लेकर, जहां पर गाइस इस फोन के बैक साइड में क्वाड कैमरा सेंसर मिलता है, जो प्राइमरी लेंस है वो है 64 मेगापिक्सल का, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है। और साथ में गाइस, यहां पर ऐसा भी बताया जा रहा है कि इस फोन के साथ में आपको OIS का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो अगर OIS का सपोर्ट मिलता है तो भाई बहुत ही कमाल की वीडियो के लिए स्मार्टफोन हो जाएगा। साथ में 5 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस होगा, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग लेंस होगा, सो कैमरा इस फोन का मेन हाइलाइटिंग पॉइंट होने वाला है। बाकी अगर बात करें डिस्प्ले को लेकर, तो वही 6.7 इंच की एक डिस्प्ले होगी, फुल HD+ रिजोल्यूशन होगा और साथ में सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले आपको देखने को मिल सकता है। बैटरी की बात करें तो 4500 mAh की बैटरी मिलेगी और फास्ट चार्जिंग के अंदर भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा सैमसंग गैलेक्सी A71 स्मार्टफोन से। बाकी गाइस, अगर हम बात करें ना, तो इस फोन के साथ में 3.5 mm ऑडियो यानी हेडफोन जैक और सैमसंग के ए सीरीज की नॉक सिक्योरिटी इन दोनों ही फोन के अंदर देखने को मिल जाएगी। बाकी गाइस, ये जो फोन होगा ना, यानी सैमसंग गैलेक्सी A72 5G डिवाइस, इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस आपको अंडर 30K रहने वाली, यानी 30,000 के अंदर ये स्मार्टफोन आने वाला है। सो गाइस, ए सीरीज के अंदर ही दोनों ही स्मार्टफोन 5G के अंदर और अपने स्पेक्स के अकॉर्डिंग बहुत ही कमाल के हैं। हालांकि देखना होगा कि सैमसंग इन्हें अपने कमाल के प्राइसिंग पर लॉन्च करती है या फिर नहीं करती है, तो देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है। तो सैमसंग के ए सीरीज के अंदर आपको ये 2 स्मार्टफोन कंफर्म फरवरी 2021 मंथ के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो सैमसंग के ए सीरीज के अलावा आपको सैमसंग के एफ सीरीज के अंदर भी कुछ स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं, जहां पर कुल 2 स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे। जहां पर एक होगा लगभग 15,000 के करीब वाला स्मार्टफोन, तो एक होगा आपको 20 से 25,000 के ऊपर देखने को मिलेगा। और ये दोनों ही स्मार्टफोन को लेकर स्पेसिफिकेशंस रिवील तो नहीं हुए हैं, बट आप कंफर्म मान सकते हो कि फरवरी लास्ट
या फिर मार्च के फर्स्ट वीक तक आपको कंफर्मली सैमसंग के एप सीरीज के अंदर दो स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं Xiaomi और Realme की कि फरवरी मंथ के अंदर आपको Xiaomi और Realme की तरफ से कौन से स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। जहां पर अगर सबसे पहले हम बात करें Xiaomi यानी Redmi की, तो यहां पर आपको Mi 11 स्मार्टफोन देखने को मिलेगा जो कि अब तक का सबसे सस्ता फ्लैगशिप डिवाइस होगा। स्नैपड्रैगन 888 के साथ में 108 मेगापिक्सल वाला सेंसर देखने को मिलेगा। साथ में इस फोन का जो बैक साइड डिजाइन है काफी यूनिक, काफी ज्यादा कमाल का लगता है और जो कैमरा लेआउट है ना, जो कैमरा प्लेसमेंट है, बहुत ही अमेजिंग लगता है। उसके साथ में इस फोन की जो डिस्प्ले है वो भी बहुत ही कमाल की है। 6.81 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है। 2K सुपर एमोलेड स्क्रीन है। 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। 480 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और यहाँ पर आपको साइड में पंच होल कटआउट मिलता है। बाकी इस फोन के साथ में 4600 एमएच यानी 4600 एमएच की बैटरी मिलती है। 55 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। 50 वाट का यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। 10 वाट का रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। तो इस फोन के अंदर ओवरऑल फ्लेक्सिबल के स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलते हैं और जो प्राइसिंग निकल कर आई है चाइना के अंदर ना, वो आपको देखने को मिली है 8GB रैम 128GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ में 44,000 के करीब, मतलब 43-44,000 के करीब ये स्मार्टफोन अगर इंडिया के अंदर आता है इस स्पेसिफिकेशंस के साथ में, तो एक बहुत ही कमाल का ऑप्शन हो जाएगा स्नैपड्रैगन 888 के साथ में। तो अगर आप Xiaomi के फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन बाय कर सकते हो तो आप इस फोन का जरूर वेट करना। एक कमाल के प्राइस के ऊपर बहुत ही फ्लेक्सिबल स्पेसिफिकेशंस के साथ में स्मार्टफोन आने वाला है। इसके अलावा गाइस Xiaomi की तरफ से आपको Redmi का Note 10 सीरीज देखने को मिलेगा जो कि कंफर्म हो चुका है और गाइस Redmi का Note 10 Pro अब BIS पर भी लिस्टेड हो चुका है। दैट मींस कि बहुत ही जल्द आपको ये डिवाइस यानी फरवरी लास्ट तक कहीं ना कहीं आपको ये डिवाइस इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। जहां पर गाइस अगर बात करें इन दोनों ही फोन्स की ना, तो जो Redmi का Note 10 है इसके स्पेक्स बिल्कुल कंफर्म है। जहां पर ये फोन MediaTek Dimensity 800U चिपसेट के साथ में आता है जो कि एक पावरफुल चिपसेट है। 7nm आर्किटेक्चर के साथ में एक पावर एफिशिएंट चिपसेट हो जाता है। बाकी इस फोन की जो डिस्प्ले होगी 6.53 इंचेस की होगी, एक फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है, बट यहां पर आपको नॉर्मल 1600 रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है और नहीं डिस्प्ले के अंदर कोई भी एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, एक नॉर्मल IPS LCD पैनल डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो डिस्प्ले मुझे उतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगी, लेकिन 5G कनेक्टिविटी मिलती है और इस फोन की जो एक्सपेक्टेड प्राइस है ना वो 15,000 से लेकर 17,000 के करीब रहने वाली है, तो ये एक अच्छी चीज हो जाती है, मतलब कम प्राइस के ऊपर 5G कनेक्टिविटी वाला फोन। बाकी इस फोन के साथ में आपको 5000mAh की बैटरी मिलेगी, 18 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा और बैक साइड में आपको सर्कुलर ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस होगा। और गाइस यहां पर जो Redmi का Note 10 Pro है ना, इसको लेकर उतनी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट अंडर 20 के ये बहुत ही कमाल के स्पेक्स के साथ में आएगा, नहीं 20,000 के अंदर ये बहुत ही कमाल का 5G डिवाइस होने वाला है। तो अगर आपको भी 15,000 से लेकर 20,000 के अंदर कोई 5G फोन बाय करना है तो आप Redmi के Note 10 सीरीज का वेट डेफिनेटली कर सकते हो। तो 2021 के फरवरी मंथ के अंदर आपको Xiaomi की तरफ से यानी Redmi की तरफ से तीन स्मार्टफोन कंफर्मली देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर बात की हमने Xiaomi की, तो भाई Realme को हम नहीं छोड़ सकते। जहां पर अगर बात करें Realme की, तो फरवरी मंथ के अंदर कुल 4 से 5 स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे इनके अलग अलग सीरीज के अंदर। जहां पर जो पहली सीरीज होगी वो होगी इनकी न्यूमेरिकल सीरीज यानी Realme 8 सीरीज, जहां पर आपको दो स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे। Realme 8 और 8 Pro स्मार्टफोन दोनों ही 5G के साथ में आने वाले हैं और ये दोनों ही स्मार्टफोन Realme 7 सीरीज के सक्सेसर होने वाले हैं। तो अगर बात करें अपग्रेड को लेकर ना, तो यहां पर जो मेन अपग्रेड देखने को मिलेगा वो होगा इनके 5G कनेक्टिविटी को लेकर, प्रोसेसर को लेकर। बाकी जो स्पेक्स होंगे लगभग सिमिलर देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर बात करें Realme 8 की, तो यहां पर आपको Dimensity 720 चिपसेट देखने को मिल सकता है और वहीं पर जो इसका प्रो वेरिएंट होगा यानी Realme 8 Pro, यहां पर ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये Snapdragon 750G 5G चिपसेट के साथ में आने वाला है जो कि अभी रिसेंटली आपको Mi 10 i स्मार्टफोन के अंदर और Motorola की Moto G स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिला है। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये स्मार्टफोन अंडर 20 के यानी 20,000 से लेकर 21,000 के करीब आने वाला है जो कि Mi 10 i को एक कड़क टक्कर देने वाला है। बाकी जो स्पेक्स है लगभग सेम देखने को मिलेंगे। जैसे Realme 8 के अंदर आपको Realme 7 जैसे ही 90Hz रिफ्रेश रेट, IPS LCD पैनल देखने को मिलेगा और जो प्रो वेरिएंट होगा यहां पर आपको एमोलेड स्क्रीन, 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। बैक में दोनों ही फोन्स के साथ में इस बार भी आपको प्लास्टिक बैक मिलेगी, हालांकि ये क्वालिटी इंप्रूव करेंगे बट यहां पर आपको प्लास्टिक बैक कंफर्म देखने को मिलेगा। बाकी दोनों फोन के बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेंसर मिलेगा, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस। तो ओवरऑल जो स्पेक्स है वो लगभग सेम होंगे Realme 7 सीरीज से, लेकिन जो बड़ा अपग्रेड देखने को मिलेगा वो होगा इनके 5G कनेक्टिविटी के अंदर, परफॉर्मेंस के अंदर और प्रोसेसर के अंदर। और इतना आप कंफर्म कह सकते हो कि Realme की 8 सीरीज आपको फरवरी लास्ट तक कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर कंफर्मली देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा गाइस आपको Realme की तरफ से Narzo 30 सीरीज इंडिया के अंदर देखने को मिल सकता है फरवरी मंथ के अंदर और हो सकता है ये डिवाइस फरवरी में ना लॉन्च होकर मार्च की मिड तक देखने को मिल जाए, लेकिन कंफर्मली आपको ये डिवाइस बहुत ही जल्द इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाले हैं जो कि 10,000 से लेकर 15,000 से लेकर 17,000 के बीच में आने वाले हैं और बहुत ही कमाल के ऑप्शन रहने वाले हैं जिनको 10,000 से लेकर 15,000 के करीब एक फोन बाय करना है। तो अगर आप Realme Narzo 30 सीरीज का वेट कर रहे हो तो आप ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, आपको फरवरी लास्ट या फिर मार्च के मिड तक आपको कंफर्मली डिवाइस देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा गाइस अगर आपको याद हो तो जिस दिन Qualcomm ने Snapdragon 888 इंट्रोड्यूस किया था
उसी दिन रियलमी ने कंफर्म कर दिया था कि उनका एक बहुत ही जल्द बहुत ही कमाल का 5G डिवाइस देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 888 के साथ में, फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशंस के साथ में, जो कि होगा रियलमी रेस स्मार्टफोन। और ये चीज अनाउंस किए हुए लगभग 1 से 1.5 महीने ऊपर हो चुके हैं, तो ऐसे में आपको फरवरी लास्ट या फिर मार्च के एंड तक कहीं ना कहीं रियलमी की तरफ से एक रेस स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, जो कि एक नई सीरीज के अंदर स्मार्टफोन होगा, फ्लैगशिप सीरीज के स्पेसिफिकेशंस के साथ में फ्लैगशिप प्राइस के ऊपर आने वाला है। और भाई रियलमी की X50 सीरीज के बाद में अगेन ये एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन होने वाला है रियलमी की तरफ से। तो देखना होगा कि फरवरी लास्ट तक कहीं ना कहीं ये डिवाइस आता है या फिर मार्च के एंड तक देखने को मिलता है, कब देखने को मिलता है, लेकिन कन्फर्म है रियलमी की तरफ से फ्लैगशिप डिवाइस आपको 1 से 2 महीने के अंदर कन्फर्मली देखने को मिल जाएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम गाइस अगले ब्रांड के बारे में, जो कि कैमरा स्मार्टफोन बनाने के लिए जाने जाते हैं, स्लिम और बहुत ही कमाल के डिवाइस बनाने के लिए जाने जाते हैं, जो कि है वीवो। सो वीवो की तरफ से आपको कंफर्मली फरवरी मंथ के अंदर एक सीरीज देखने को मिलेगी, जो कि है वीवो की X60 सीरीज, जहां पर आपको वीवो X60 और X60 प्रो डिवाइस देखने को मिलेंगे। और गाइस ये वही सीरीज है जो कि आपको लास्ट वीवो X50 सीरीज के अंदर गिम्बल लाइक कैमरा सिस्टम लेकर आए थे और एक कमाल की इनोवेटिव कैमरा सिस्टम के साथ में आए थे, मतलब यहां पर आप बहुत ही सेकी मोड में बहुत ही स्मूथ वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहे थे। तो यही सेम चीज आपको वीवो X60 सीरीज के अंदर, वीवो X60 और X60 प्रो के अंदर मिलेगा, बट ये ना इंप्रूव होने वाला है, मतलब वीवो ने कंफर्म कर दिया है कि सेकेंड जनरेशन गिम्बल लाइक कैमरा सिस्टम होगा। बाकी इसके अलावा 6.56 इंचेस की डिस्प्ले होगी दोनों ही फोन्स के अंदर, E3 सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी और दोनों ही फोन्स के सेंटर में इस बार आपको पंच होल कटआउट मिलेगा। दोनों फोन में 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट होगा, 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट होगा, दोनों फोन के अंदर HDR 10 प्लस का सर्टिफिकेशन होगा, लेकिन जो डिफरेंस होगा वो होगा इन दोनों ही फोन्स के कैमरा के अंदर, जहां पर रियलमी X60 के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा लेंस मिलेगा 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस के साथ में, तो रियलमी X60 प्रो के साथ में क्वाड रियर कैमरा होगा 64 मेगापिक्सल सेंसर के साथ में, और बाकी कुछ चीजों में यहां पर आपको कैमरा के अंदर ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। हालांकि अगर रियलमी X60 सीरीज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो हर स्पेक्स के बारे में, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, चैनल पर जाकर चेकआउट कर लेना। बाकी अगर बात करें पोको की, तो फरवरी मंथ के अंदर आपको पोको की तरफ से कुल 2 स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, जहां पर एक होगा बहुत ही कमाल का डिवाइस पोको M3, जो कि 10 से 11 हजार के बजट के ऊपर रहने वाला है, और गाइस ऑलरेडी काफी सारे कंट्रीज के अंदर लॉन्च हो चुका है, इंडिया के अंदर आपको फरवरी मंथ के अंदर डेफिनेटली स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, जहां पर इस फोन का जो कैमरा लेआउट है, जो कैमरा डिजाइन देखने को मिलता है बैक साइड से या फिर लुक है स्मार्टफोन का अमेजिंग मिलता है, बाकी स्पेक्स भी बहुत ही कमाल के है और इस प्राइस के ऊपर एक कमाल का स्मार्टफोन हो जाएगा। और ऑलरेडी मैंने इस फोन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, अगर आप जानना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो वीडियो को जरूर देखना इस वीडियो के बाद में। बाकी इसके अलावा आपको पोको M3 प्रो डिवाइस देखने को मिलेगा, जो कि 10 से लेकर 15 हजार के बजट के ऊपर आएगा, स्नैपड्रैगन 732G देखने को मिल सकता है। सो गाइस अभी के लिए दोनों ही स्मार्टफोन फरवरी मंथ के अंदर कंफर्मली आपको पोको की तरफ से देखने को मिलेंगे। बाकी गाइस कुछ यही स्मार्टफोन थे जो कि आपको सारे स्मार्टफोन ब्रांड की तरफ से कंफर्म फरवरी मंथ के अंदर देखने को मिलेंगे। बाकी इसके अलावा अगर कोई स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं, कुछ भी इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर आती है, तो चैनल पर डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी, तो भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब, सारी चीजें बिल्कुल ही फ्री है, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि ऐसी कमाल की वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं एक नए और कमाल के वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप वॉचिंग।